दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस इज बुक 13 पैसेज 1 टेस्ट 1। दुआ करता हूं फिर अल्लाह पाक से कि पेपर है सही आए। टाइम लोड कर लीजिए, 9:28 हुए हैं, 16 मिनट के अंदर पैसेज 1 को भाई करना है, करना है, करना है आपको। डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग, मैं आपको हमेशा कहता हूँ रीड नहीं करना है आपको। जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स नजर आए बस आंसर ट्रैक कर लें, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई गेम हो जाए, आप कुछ पढ़ना शुरू करें और बाद में आपको पता चले सर जी हमारे साथ तो ये हो गया है, हम पढ़ रहे थे 1287 के लिए और जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि हमें ये भी पढ़ना था साथ साथ बीच बीच में। तो मैं कहता हूँ कि देखो द वेबसाइट, कोई तुम्हें बात नजर आ रही है वेबसाइट वाली बात, तो वेबसाइट वाली बात मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा और कहीं नजर आ रही है कोई वेबसाइट वाली बात, तो वेबसाइट वाली बात मुझे यहाँ पे भी आ रही है। अच्छा जी तो इसमें देखो कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो तुम्हें यहाँ पर भी दिखे। हाँ सर ये भी नजर आ रहा है, देखे यार हौसला मिल गया। अच्छा अब ये देखो, ये जो तुम्हारे पास डेटा है ये तुम्हें +6 देगा और तुम्हें कितना डेटा पढ़ना ये रहा। अच्छा देखो पैसेज, देखो हर बेटा मैं हर पैसेज को डील करने का तरीका सिखाता हूँ तुम्हें। इन दो पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब देने, ठीक है, और बाकी जितना ऊपर कुछ है उससे तुम्हें किसके जवाब देने, फिल इन द ब्लैंक्स के। बट डू नॉट वेस्ट योर मच टाइम इन फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज तुम्हारे पास डेटा ज्यादा है और तुम्हारे पास ब्लैंक्स कम ही है, इतनी ज्यादा नहीं है। सो यू नीड टू बी सो क्विक। How you are going to be quick? आप देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है Database of Tourism Service। अब आपने फॉरन सर्च करना है Database of Tourism Service, ये मिलेगा आपको, लाजमी मिलेगा Database of Tourism Services। ऊपर देखो Easy for Tourism आपको नजर आ जाएगा। Database for Tourism Services provided database of tourism service, आके खोल के देखोगे तो मिलेगा। मैंने तुमसे कहा ना कि जो तुम्हें थोड़ी दूर होती है ना चीजें बेटा वो मिल जाती है, वो मिलेगी तुम्हें, एरर्स मिलेगी। हाँ अब जो यहाँ लिखा हुआ है ना अलाउड बिजनेसेस टू किस चीज, और आगे लिखा है इंफॉर्मेशन रेगुलरली। अब तुम रेगुलरली को दिमाग में रखो, अलाउ को दिमाग में रखो और यहीं पर तुम आगे पढ़ो। देखो इधर 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 अलाउ का वर्ड ढूंढो, बिजनेसेस का वर्ड ढूंढो, बिजनेसेस का वर्ड ढूंढो, अलाउ का वर्ड ढूंढो, तुम्हें जवाब पर पहुंचोगे लाजमी तौर पर। कहता है अलाउड बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली, तुम रेगुलरली का वर्ड ढूंढो, रेगुलरली रेगुलरली रेगुलरली। The website of database both this which both offer tourism services to country could be listed. This means provide could gain audience or in addition, देखो businesses का word ढूंढना था ना, businesses का word कह रहे थे ना, हम ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना है, मिलेगा। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग, अगर तुम्हें grammar आती है बेटा तो ये देखो allow बराबर है किसके, अगर तुम लोगों को grammar आती है able to, लिख लो अपने पास allow is equal to able to। उसके बाद यहां लिखा हुआ है अपडेट, हलवा बना दिया सर ने, आगे इंफॉर्मेशन है, लिखो अपने पास इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डिटेल्स, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डिटेल्स लिख लो बेटा। और दे गेव ऑन रेगुलर आ गया बेटा, रेगुलर बेसिस रेगुलरली। आगे चलो provide a country wide evaluation of business including their impact on the, मैंने कहा है in और on एक ऐसे preposition है जो हमारे लिए blessing बनकर आते हैं, on the मिल गया on the impact is equal to effect। मान लो बेटा सर की बातें खुश रहोगे, impact is equal to effect on the आगे बात समझ। ठीक है on the environment। अब यहां पर देखो special features on local topics,
स्पेशल फीचर्स और लोकल टॉपिक्स एंड इंटरव्यू विद फॉर्मर स्पोर्ट्स। अच्छा अब देखो या, हमेशा याद रखो स्पोर्ट्स का वर्ड इस्तेमाल किया है तो वहां पर स्पोर्ट्स बता दी जाएगी कि स्पोर्ट्स कौन सी है। फॉर्मर स्पोर्ट्स देखो रग्बी, और यहां फॉर्मर, आंखें खोलने का काम है भाई इसमें, आंखें खोल के सब कुछ मिलता है, तुम लोग आंखें नहीं खोलते ना। फॉर्मर भी मिला। स्पोर्ट्स को संडे जो टेक्निक बताइए कि अगर स्पोर्ट्स लिखिए तो वह स्पोर्ट्स। अब रग्बी का क्या, फॉर्मर स्पोर्ट्स का कौन, कैप्टन। कैप्टन एंड एन इंटरेक्टिव टूर वेरियस लोकेशन यूज्ड इन संडे, कहा है ये ऑन और इन जो है ना बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये आपको लिखे लोकेशंस चूजन ऑफ फॉर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, लोकेशन यूज्ड इन फिल्म्स, और आपको उससे पहले मिल गया फॉर्मर कैप्टन। वेरी डिपेंडिंग ऑन द, तुम सिर्फ ऑन डिपेंडिंग ऑन द, यहाँ पर क्या लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफ ड्राइविंग रूट्स। देखो ड्राइविंग रूट्स, ड्राइविंग 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 ड्राइविंग, ट्रेवलर डिवाइस, कस्टमर डिपेंडेंट, ड्राइविंग रूट्स, ठीक है ड्राइविंग रूट्स आ गया। अब ड्राइविंग रूट्स यहाँ लिखा है डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द, अकॉर्डिंग टू द, फ्रेज मैच हो गया पूरा, अकॉर्डिंग टू द, डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द, रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द, आगे लिखा हुआ है सीजन, एंड सीजन इज योर आंसर। आगे चलिए, ट्रेवलर, ट्रेवल प्लानर इंक्लूडेड अ मैप शोइंग सेलेक्टेड प्लेसेस डिटेल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल डैश एंड लोकल वॉट। अब देखो लोकल का वर्ड मैं हमेशा बताता हूं कि लोकल का वर्ड एरिया से मैच करता है, लोकल का वर्ड किससे मैच करता है, एरिया से मैच करता है। आइए एरिया पे चलते हैं, देखो ऊपर कहीं पर एरिया एरिया एरिया, मेरा ये टेक्निक्स है। अब आपके सर को भी याद है, टेक्निक्स याद है ना बेटा, लोकल लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये रहा। अब यहां पर देखो आगे पीछे देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल वॉट कहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बिटवीन द चूजन लोकेशंस दे वर आल्सो लिंक्ड टू अकोमोडेशन इन द एरिया। एरिया का वर्ड आ गया, मान लो एरिया, लोकल इज इक्वल टू एरिया, लिख लो अपने पास, ये लोकल का वर्ड एरिया की से मैच करके लिखते हैं, तो ये आपके पास आ गया अकोमोडेशन, लोकल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इन द एरिया, आ गई बात समझ। उसके बाद देखो लिखा हुआ है ट्रेवलर्स कुड सेंड अ लिंक टू देयर, देयर देयर को ढूंढ लो, लिंक को ढूंढ लो, सेंड अ लिंक टू देयर, कहता है द वेबसाइट ऑल्सो हैड ऑफ योर वर्ड सेक्शन वेयर एनी वन कुड सबमिट, सबमिट इज इक्वल टू सेंड, लिखो अपने पास सबमिट इज इक्वल टू सेंड, सबमिट इज इक्वल टू सेंड अ लिंक टू देयर, सबमिट अ ब्लॉग ऑफ देयर, अ लिंक टू देयर, अ लिंक टू देयर, अ ब्लॉग ऑफ देयर, मैंने आपको बताया था देयर का ताल्लुक, और देखो देयर वहां पे भी मिल गया तो ब्लॉग मिल गया आपको, अ लिंक टू देयर ब्लॉग। आपने 9 बजकर कब शुरू किया था, 26 में और 37 हो गए, 26 के बाद ही स्टार्ट किया था, 37 पर आ गए आप लोग, और उसके बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचे हैं क्या, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। पहला सवाल ये है, पहली बात लिखता है द वेबसाइट न्यूजीलैंड एम टू प्रोवाइड रेडीमेड इनिशरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रेवल कंपनीज, यहां पर लिखा हुआ है वो रेडीमेड पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं द वेबसाइट वॉज टू सेटअप टू अलाउ बोथ इंडिविजुअल एंड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट, क्रिएट करें भाई अपना पैकेज क्रिएट करें, वहां लिखा हुआ है प्रोवाइड रेडीमेड, वहां लिखा हुआ है टू क्रिएट इनिशरीज एंड ट्रेवल पैकेजेस टू देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट, जो आपको लगे भाई, जो होटल आपको आपके बारे में आ रहा है आप उसको डिसाइड करें, जिसकी आपको जरूरत है आप उस तरह का आप होटल सेलेक्ट करें। एंड सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ठीक है।
It was found most visitors started searching on website by geographical location. According to the research, 26% of the visitor satisfaction is related to accommodation. Achha ji, aaiye. Kehta, on the website, visitors can search for activities not solely by geographical locations, but also by the particular nature of activity. The contribution, this is most important, research shows that activities are key drivers of visitor satisfaction, contributing 74% of satisfaction, while transport and accommodation account for remaining 26%. यहाँ इन्होंने लिखी है 26% जो है वो accommodation की है, जबकि यहाँ लिखा है 26% जो है वो accommodation. देखिएगा, according to research, 26% of visitor satisfaction is related to accommodation. यहाँ लिखता है satisfaction contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation, transport और accommodation की satisfaction है 74. थोड़ी math भी आती है. अरे बहन पढ़ तो लो, तुम मैथ में कमजोर हो. फिर यह अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट, दोबारा पढ़ो. 74% टू विजिटर सेटिस्फेक्शन वाइल ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन, और बाकी जो चीजों की बची सेटिस्फेक्शन वो है 26%. तो जवाब हो गया फाल्स, एब्सोल्युटली फाल्स. और जनाब सर, ये तो आपने बताया नहीं, 46,000 का पेपर है. आप अबे तो नहीं मिला ना, कहाँ से बताएं. विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर. अच्छा, यहाँ पर लोग जब आते हैं ना तो लोकल कल्चर में वहां मिक्स हो जाते हैं. देखिए, कहते हैं द मोर एक्टिविटीज दैट विजिटर अंडरटेक द मोर सेटिस्फाइड दे विल बी. इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड, ये भी देखा गया है, ये भी देखा गया है, ये भी, कि विजिटर्स एंजॉय कल्चरल एक्टिविटीज. विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर. विजिटर्स एंजॉय कल्चरल एक्टिविटीज. एकदम ट्रू सर, एकदम. Visitors like staying in small hotels in New Zealand rather than large ones. Many visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit. लोगों को छोटे होटल में ठहरना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि वो बड़े होटल में ठहरे. और जनाब ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर बस जिंदगी में ऐसे आएंगे कि बस वो एक ही दफा आएंगे, उसके बाद वो दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे. ठीक है ना. चले उसके बाद कहते हैं, such as visiting to learn traditional dish, many travelers enjoy such learning experience which provide them stories to take home to their friends and families. In addition, it appears that visitor New Zealand don't want to be one of those crowd and find activities involve few people and more special meaningful. It could be argued that New Zealand is not a typical destination. ऐसा नहीं है कि आप जैसे बरी हर उठाकर हर महीने पहुंच जाते हैं या हर साल पहुंच जाते हैं. न्यूजीलैंड इज अ स्मॉल कंट्री विद अ विजिटर्स इकोनॉमी कंपोज्ड मेनली फॉर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. इट इज जनरली परसीव्ड एज अ सेफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री फॉर विद अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट मोस्ट विजिटर्स स्टे फॉर लॉन्गर. 20 दिन तक लोग यहाँ पर रहते हैं एंड वॉन्ट टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल ऑफन वंस इन अ लाइफ टाइम. यानी कि ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर जिंदगी में एक ही मरतबा आएंगे इतनी लंबी फ्लाइट लेकर. क्योंकि अगर आप नक्शे में देखें तो न्यूजीलैंड दुनिया की बिल्कुल एक कोने पर है. सो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर एक ही दफा आएंगे. और जनाब इसका जवाब हो गया आपका एकदम ट्रू. तो सर ऊपर वाले का जवाब तो आपने दिया नहीं. भाई नहीं मिला तो कहाँ से दे, नॉट गिवन लिख दो बस, दैट्स ऑल. और मैंने आपको हमेशा बताया कि देखो पहले जवाब अपने क्वेश्चन पेपर पे यहीं पर लिख लेना, फॉल्स नॉट गिवन, फॉल्स फॉल्स, ट्रू नॉट गिवन ट्रू. उसके बाद जाकर साथ एक साथ सारे आंसर्स अपनी आंसर शीट में लिख देना जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब सारे यही मेरे आंसर्स हैं. ठीक है ना. लेकिन ये मत करना कि तुम 40 के 40 बाद में लिखो. मैंने तुमसे कहा है कि भाई ये सिर्फ इसके आंसर अभी यहाँ पर लिखना, वरना मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख के रह जाएंगे और हो जाएगा कबाड़ा तुम्हारा, वो पेपर छीन लेगा भाई आपके पास. आप यू डोंट हैव एन एक्स्ट्रा टाइम टू
ट्रांसफर योर आंसर, तो जैसे जैसे आप करते रहे अपने आंसर्स को ट्रांसफर करते रहे, लेकिन इट इज वाइज, ये ज्यादा अकलमंदी है कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 के जवाब आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखिए, जैसे ही आपके सवाल हो जाए आप उसको फॉरन शिफ्ट कर दें, ठीक है, ये हमेशा किया करें। अब आइए आपके पास एक और है, अल्लाह करे, दुआ करता हूँ ऐसे ही पेपर आए, ऐसे ही पेपर आए, पेपर अगर ऐसा आ गया जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि तुम लोग मुल्क पाकिस्तान छोड़ दोगे, पाकिस्तान तो बदलने वाला नहीं है। आइए अब हमारे पास टोटल इस सेशन के में बचे 17 मिनट, क्या 17 मिनट के अंदर ये पैसेज हो सकता है या नहीं है? आप इस पैसेज को देखें, इसमें 4 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, और यहां पर 9 आपके पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। लेट्स स्टार्ट विद गुड होप, लिखा हुआ है बिब्लिकल टाइम्स, मैंने कहा है बिब्लिकल टाइम्स, वी डोंट रीड इन फिल इन द ब्लैंक्स, एडेड टू। अब ये जो एडेड टू है ना, देखो मैंने कहा है कि ये एडेड टू जो है ये फ्रेज है, ये एग्जैक्टली तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें बिब्लिकल टाइम्स मिल जाएगा, बाइबल मिल जाएगा, सर मिल गया, इन सेवरल बुक्स ऑफ बाइबल मिल गया, बोथ एज इंग्रेडिएंट दैट वाज मिक्स विद एडेड टू, मिक्स विद एडेड टू, मिक्स विद एडेड टू, मिक्स विद एडेड टू, मेरी बात मान लो, फ्रेज मैच होता है। Oils, oils used to show between people, लोगों के दरमियान, आइए लोगों के दरमियान चलते, lovers and friends are people, between का opposite among, जवाब मिल गया, used to show as a token indicating, indicate is, it means show, लिखते रहो, सुनो नहीं, मैंने माइक इसलिए बंद रखे, मैं बोलने का बहुत शौक है, indicate is equal to show, लिखो, indicate is equal to show, between is equal to among people, lovers and friends, किस तरह से लिखता है भाई, these are the techniques, यही तो techniques है जो सीखते हो तुम लोग, ancient Rome, मिल गया ना जवाब, friendship between people, used for its sweet smell at, अच्छा अब एट के बाद कोई टाइम है, कोई एट क्या, कोई सेरेमनी है, कोई लोकेशन है, एट क्यों लगाया? अब देखें, इन एंशियंट टाइम्स माउनर्स अटेंडिंग फ्यूनरल्स, लो भाई मिल गया, यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल, आगे देखो कहीं स्वीट लिखा हुआ है, प्लेजेंट सेंट, ये मिल गया प्लेजेंट सेंट, कौन से मौकों पर, मरनों के मौके पर, कोई मरमरा गया तो जला दिया, funerals, smell at funerals, added to food especially meat, अब meat को ढूंढो, गोश्त, 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 सर गोश्त मिलेगा, गोश्त मिलेगा, use it to flavor food particularly meat, मिल गया, इधर देखो, ये देखो, मिल गया ना, जो चीज में blank नहीं है वो तो मिलेगा भाई, कंफर्म मिलेगा, और आगे देखो लिखा हुआ है persons, apostrophe, persons, अब persons क्या, persons क्या, was an indicating a, indication of a, indication of a, indication of a, अब देखो मैं कैसे पहुंचूंगा, indication of a, indication of a, indication of a, indication of, indication of, indication of, sign of the, मान लो बेटा हमारी टेक्निक्स, मान लो इंडिकेशन ऑफ आ पढ़ते हुए जा रहे थे और तुम्हें मिल गया साइन ऑफ द वेल्थ, ट्रीटमेंट फॉर, ट्रीटमेंट फॉर, ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ बेनिफिट्स, वॉज थॉट ट्रीटमेंट क्योर various ailments such as treatment for indigestion, treatment for indigestion, देख रहे हैं, treatment, cure, cure का मतलब समझते ना, treatment for various ailments, बीमारियां, health problems, ailments, health problems such as for indigestion, grown in, कहां पर ग्रोन हुई, ग्रोन कौन सी जगह पर, जगह बताइए,
टू वर्ड्स मिडिल एज द यूरोपियन मिडिल क्लासेस बिगन टू डिजायर ग्रोन 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 ग्रोथ ग्रोथ इन नहीं आया यहाँ पे. एट द टाइम सिलेबस वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय अरब्स merchants who closely guarded the secret of the source of the spice from potential rivals. They took it from India. कहाँ से लेकर गए इसको? They took it from India. तो दिमाग क्या कहता है? ये कहाँ उगती थी? Grown in India. Merchant used to bring it to the dash. किस चीज का इस्तेमाल किया? Where it was grown, लो भाई grown भी आ गया ना grown in, where it was grown, on camels via an overland route to the dash, क्या use किया? used camels, arrived in the dash, कहाँ पहुँचे? The journey ended when they reached is equal to arrived. The journey ended when they arrived. Alexandria. The traders took it to, फिर ये लोग कहाँ लेकर चले गए? And sold it to destination around Europe. Europeans. Traders sailed their purchase, their supply of cinnamon. They brought it back to, took it to Venice. The spice traveled from great around Europe, all around Europe. 9:50 पर 7-9 blanks आपने 7 मिनट में निपटा दी. अब आपके पास बचा है सिर्फ 5-4 नंबर का पेपर और 10 मिनट अभी भी आपके पास है. 17 मिनट का टाइम था और आपने 7 मिनट को कंज्यूम किया है अब तक. ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड होने जा रहा है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर नाम लिखवाया जाएगा हमारा. द डैश हैड कंट्रोल ओवर द सिनेमन. अच्छा जी, अब आप कहां तक आपने पढ़ लिया था? जहां तक पढ़ लिया था आप उससे आगे पढ़ेंगे. ये देखिए, अभी तक आपने यहां तक पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे यहां पर नीचे. देखिए, The dash had control over the, ये देखिए क्या ये बात सच है या झूठ है. इनका पूरा कंट्रोल था ओवर द सिनेमन ट्रेड. अच्छा जी, आइए पढ़ते हैं. Seeking the high profit of cinnamon profit, cinnamon market, dash traders arrive on the island of dash and towards 15th century before the dash organized the civilization, people belonging to the dash and When the dash arrived, they needed to increase. आगे चलते हैं, ऊपर देखिए. When Dutch arrived, ये ऊपर. When Dutch arrived off the coast, ये तो Dutch आ गया, ऊपर ही है, देखिए. Production so enslaved many of the members of dash native population, forcing them to work in cinnamon harvesting. 15. The dash built a fort. Fort समझते ना, किला, on dash. Which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon. Monopoly का मतलब समझ जाएं आप लोग. And trade and generate very high profits. In the हो गया. Had control over the cinnamon trade. Monopoly थी इनकी अपनी. बिल्कुल थी. The answer is absolutely true. आगे बात समझ. The Dutch took over the cinnamon trade from the Dutch as soon as they arrived in. The dash. जैसे ही आए, आते ही छा गए. कौन? डच कब आए थे जरा देखिएगा. When the Dutch arrived off the coast, beginning of the 17th century, यानी कि ये 1700 में आ गए. चलो समझ लो 1705 में आ गए, ठीक है. Beginning. On this side of their displacing, blah 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 blah. In return of the by 1640. 17th सेंचुरी का मतलब 1605
By 1640, Dutch broke 140 years when they overran and occupied their factories. By 1658, they had permanently expelled the Dutch. 1658, 58 साल लग गए गरीबों को. यहां लिखा हुआ है जैसे ही आए छा गए, जैसे ही आए, took over as soon as they arrived. जवाब, जवाब हो गया आपका फॉल्स. ठीक है भाई, पहला वाला जवाब ट्रू था. अब इसमें प्रॉब्लम है. क्यों? एक नॉट गिवन है, एक नॉट गिवन है, एक नॉट गिवन लाजमी है. और अब एक ट्रू है या फॉल्स है, दो पैराग्राफ बचे, मैं दोनों बातें पढ़ो. द ट्री प्लांटेड बाय डच प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन देन द वाइल्ड ट्रीज. द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. मैं आपको वही वाली पुरानी वाली टेक्निक यूज करूंगा. मैं कहता हूं कि आखिरी वाली बात को आखिरी वाले पैराग्राफ से रीड करो. देखो शायद ये तुम्हारी तुम्हें तुम्हारा टाइम सेव कर ले. द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ये कहते हैं इन्होंने अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मेंटेन रखा. क्या ऐसा ही है? कहता है बट द स्पाइस ट्रेड ओवरऑल वॉज डिमिनिशिंग इन इकोनॉमिक्स पोटेंशियल. टड़ा टड़ा, मैंने इकोनॉमिक के वर्ड को फॉरन टारगेट किया और बट द डिमिनिशिंग का वर्ड मुझे क्लिक कर रहा था, यहाँ मेंटेन था. मैंने कहा बाबा जी इसका जवाब फॉल्स हो गया है. तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये नॉट गिवन हो गया और ऊपर वाले दो जवाब हो चुके. 9:55 पर आपने अपने इस पैसेज को कर दिखाया, यानी कि आपका टारगेट था 17 मिनट, आपने उसको अचीव कर लिया. एक दफा फिर 12 मिनट में लाइव एंड एक्सक्लूसिव सरसी के साथ. अगर आप वाकई इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, आई अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पेपर इन टाइम. मुश्किल कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करें, बार बार मेरे सेशंस को सुनिए. That's going to be helpful for you. Thank you very much for today. Join your relevant session at 10 o'clock. Kal tak ke liye ijazat dijiye. Allah Hafiz.